अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे, अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बना रही हूँ जी हॉट एंड सॉर सूप, बड़ा ही स्पेशल, और इसकी रेसिपी मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं की हुई। चलें इसको भी मैं बनाती हूँ डिफरेंट स्टाइल से, और बहुत ही ज़बरदस्त मज़े वाला सूप है। अच्छा, वेजिटेबल्स जो नहीं है वो आपके सामने आपको दिख रही हैं जनाब, ये हैं सारी वेजिटेबल्स। इसमें है बंद गोभी है, कैरेट्स हैं, और मैंने इनके बड़े थिन जो है ना स्लाइस कट कर लिए हैं, और ये कैप्सिकम ठीक हो गया। और भी वेजिटेबल्स हैं वो भी दिखा देती हूँ, जिसमें ये पीस हैं और कॉर्न्स हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम पानी पूरा कर लेते हैं, चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि कॉर्न्स जो है ना वो कुछ मैं उनको ग्राइंड कर लूँगी ही, चॉप कर लूँगी मतलब, और बाकी जो है वो बाद में बताती हूँ आपको ना। ये देखें जी, इनको मैंने कर लिया है ग्राइंड। अब इसको इस जो है ना डाल देते हैं पानी में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दो बार आपका सलाम हो गया है। बहुत ही क्विक ये सूप रेडी हो जाता है। इसमें बस देखें, अब हम चिकन ऐड करते हैं। मैंने श्रेड किया हुआ बहुत बारीक नहीं मैं करती हूँ, आपको पता ही है। ये रही जी सारी वेजेस, इनको ऐड करते हैं। अब ऐड कर लेती हूँ, मेरा ख्याल से ऐसे तो सारी गिर जाएंगी। ये रहे जी पीस और कॉर्न्स, इनको भी ऐड करते हैं। मुझे लग रहा है कि आज ये बर्तन छोटा हो गया है, लेकिन बनाना फिर भी मैंने इसी में है, क्योंकि मैं अब इसको यूज़ कर रही हूँ। ओनली 15 मिनट्स में ना ये सारी नॉर्मल हो जाएंगी। अभी तो इनमें बड़ी मतलब अक्कड़ है ना, तो ये थोड़ी सी जैसे सॉफ्ट होंगी। हमें ज़्यादा भी इसको कुक नहीं करना, बस इतना सही करना है कि इसका एक क्रंच भी आए, और ये इतनी ज़्यादा डल भी ना हो जाए, वो भी बहुत ही ना टेस्टलेस हो जाती हैं फिर। तो चलिए बस वेट करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सॉल्ट, और सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, जो सॉसेस वगैरह जाएंगी उस वो भी सारी सॉल्टी हैं। एक चम्मच मैंने पहले ऐड किया, अब एक और डाल देते हैं। अच्छा, अब इसमें ऐड करने लगी हूँ मैं ब्लैक पेपर, काली मिर्च मतलब, इसको मैंने फ्रेश अभी ग्राइंड किया। इसकी इतनी मज़े की कोई खुशबू आ रही है ना, ध्यान से इसको हम कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, अभी ना मुझे पॉट चेंज करना पड़ गया भाई, उसमें गुंजाइश नहीं थी, उसकी भी हिम्मत नहीं थी, मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही थी। यही डर लग रहा था कहीं ये बाहर ना आ जाए ना, तो फिर मैंने कहा चेंज करो यार, ख़त्म करो टेंशन को। ओके जी, अभी ये देखें रेडी हो रहा है, तो हम सॉसेस की तरफ आ जाते हैं। जो मैं सॉस यूज़ कर रही हूँ वही चिली सॉस है, टमाटो केचप है, और सोया सॉस है, सिरका है, और चिली गार्लिक सॉस है। मैं बस आइडिया से ही सारी ये सॉस वगैरह यूज़ करूँगी, तो आप देखिएगा आप जितना सूप बना रहे हैं कितनी क्वान्टिटी है। मैं तो ये देख लें, इतना बड़ा पॉट है इसमें है, तो ये तकरीबन 5-6 लोगों के लिए आराम से होगा। ठीक है जनाब, तो आप अपने मुताबिक सारी सॉस वगैरह यूज़ कीजिएगा, मैं डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतनी सी केचप है, 2-3 चम्मच होंगे, इसको डाल देते हैं। चेक करें जी, चिली गार्लिक सॉस गिर भी गया है, और थोड़ा जितना मुझे चाहिए था वो भी मैंने ले लिया है। इसको भी बीच में मिक्स करते हैं इसके। ये रहा जी सोया सॉस, ये भी डाल देते हैं। मैं आपको दिखा के सब कुछ डाल रही हूँ, ताकि आपको भी ये रहे जो मैंने आपको दिखाया वो मैंने सब यूज़ किया है। अब आ जाती है बारी वाइट विनेगर की, ये एंड में अब जाएगा इसमें चिली सॉस। इसके अलावा एक और भी चीज़ है, आपने अभी कहीं जाना नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे। जितने भी सॉसेस हमने डाले हैं इनको बैलेंस करते हैं। अब ये रही जी मेरे पास ब्राउन शुगर, और इसको मैं इतना सा ऐड कर देती हूँ बीच में। ये चलें जी, इनको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आ गया, और टेस्ट तो मैं कहती हूँ आउट क्लास है। मैंने अभी चेक कर लिया है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आया है। अब ये रहा कॉर्नफ्लोर, मैंने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा लिया है, पानी कम लिया है, इसको अच्छा सा थिक करते हैं। और एक और बात भी है कि सर्दियाँ आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है जनाब, जिसने अभी तक इस सूप को ट्राई नहीं किया मस्ट ट्राई करें। और आप लोग कहते होंगे मैंने फिर सूप बना लिया है, लेकिन वही बात है कि मौसम ऐसा है, बच्चों का दिल कर रहा था, मैंने कहा बनाते हैं। इसको मैं डालूँगी कैमरे को रख के, ठीक है, फ़ोन को रख के, वरना सारे सूप का हो जाना एंड पे बेड़ा गर्क। लें जी कॉर्नफ्लोर मैंने डाल लिया है, और बड़ा अच्छा सा ये थिक हो गया है जिस तरह का मैं चाह रही थी, और सूप भी बहुत आउट क्लास बन गया। तो चलें जी बच्चों को देते हैं सूप, पिलाते हैं उनको गर्मा गर्म। लें जी, क्रैकर्स के बगैर सूप कैसे हो सकता है। लो जी, इफ आप जो कार्टून देख रही हो ना बैठ के देख रहे हो। ओके, अच्छा सूप कैसा है ये बताओ। अच्छा।
इस सूप की आपको एक और क्वालिटी बताऊं, विदाउट एग्स ये सूप बना है, ठीक है। और इसमें आपको एंड पे कोई सॉस वगैरह रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आप सिरका और वो अलग से छोटे छोटे बॉल्स में सब कुछ हम कर रहे होते ना, बगैर उसके कोई स्ट्रेस नहीं लेनी और आराम से इस सूप को बनाएं, एंजॉय करें। वैसे भाई एक दफ़ा दिखाना प्लीज़, एक दफ़ा है तो कार्टून प्लीज देख, हम देख यार प्लीज एक मिनट दिखाओ, हम आपको दिखाओ, उसका सूप सारा खराब हो जाना था। ओके ओके बस। अच्छा जी नेक्स्ट डे है और अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब। ऑयल मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल ली है, चलिए कोई बात नहीं। ओके जी अब हम शामी कबाब के लिए ना अंडों को फेंट लेते हैं अच्छे से। बच्चे स्कूल से आए हैं जी, उनके लिए मैं सारा कुछ रेडी कर रही हूँ। और ये देखें आहिल, जरा शर्ट तो दिखाना अपनी, आहिल को क्लास फेलो से गिफ्ट मिल गया, क्या बात है। उसको पता है ये इतालिया से आया हुआ है बच्चा, बस इस वजह से इतालिया पैदा हुआ हुआ है, इतालिया से आया है मतलब इटली से, यही बात है सेम। जी जी बिल्कुल, चलें जी। आदम ने अपना फसाद डाल लिया, आदर साथ के मुझे पिज्ज़ा खाना है और मैं साथ मिल्क शेक बना रही हूँ। मिल्क शेक भी हमारा छत पे बनता होता है, कुछ भी जग यूज़ करना है आपको तो चलें जी, साथ साथ चल रहा सब कुछ। ये रही ये बच्ची। अंडे मैंने ज़्यादा इसलिए फेंट लिए थे क्योंकि मुझे बाद में सैंडविचेस बनाने हैं तो उसमें यूज़ हो जाएंगे। अच्छा जी ये सैंडविचेस मैं बना रही हूँ और इनके शोर को आपने इग्नोर करना है क्योंकि अभी सब स्कूल से आए हैं बच्चे और अपनी अपनी सब सुना रहे हैं एक दूसरे को। आदम ने मुझे याद करवा दिया कि मेरा पिज़्ज़ा भी है, मैंने कहा हाँ वाकई उसको भी चेक कर लेते हैं। लाइट इसकी ऑन करते हैं इसकी। वाह जी वाह, आदम बिल्कुल रेडी है, आप सही कह रहे थे। जल्दी से पापा कट करके दें, मेरे बेबी को बहुत भूख लग रही है ना, किंडरगार्टन से हंग्री हंग्री। और आप कौन सी गेम खेलते रहते हैं हर टाइम? मैंने तो नहीं खोली, वैसे ही खुल गई है, मैंने खेल चेक करते हैं इनको, रेडी हो गए, जैसे भी चेक कर लेते हैं। जबरदस्त, चलो जी इसको निकालते हैं। एक्चुअली आज हमने भी ना दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ। लो जी एंजॉय करें आप लोग, बहुत ध्यान से डालना है आपने। मैंगो शेक है, हाँ मैंगो शेक आदम के लिए कम डालिएगा, ठीक है। दवा आपने पीना है? हालांकि इसका मौसम है यार, आदम को बहुत कम डाल के रख देना ताकि वो बाद में नॉर्मल हो। ओके ये ठंडा है, आपका गला नहीं ठीक है, निकालो ट्राई करो, देखो कोशिश करो। वली आप ट्राई करो आके जरा, निकल आया जहाँ पे वली का नाम आया ना वहाँ पे डर से ही निकल आया है ना। नहीं जी मैं तो स्टील के ग्लास में मैंगो शेक एंजॉय करने लगी हूँ। हवा देखें इतनी तेज हो गई है कि हमारा स्टैंड ही बाहर गिर गया, इसको भी मैं उठाऊं। और वीडियो का भी एंड करते हैं जी, ये हमारे कपड़े जो सूख सूख के बाहर से आते हैं ना वो इसी काउच के ऊपर रखे जाते हैं। गला ख़राब हो गया पता नहीं क्यों, मैं यहाँ से मिल्क शेक पिया मैंने। अच्छा जी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, साथ में ये चाय मेरी रखी हुई है और आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और आदम यहाँ पर अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहा है, पता नहीं ये तुर्किश है कि अरेबिक है क्या है, तो आदम को पसंद है। अच्छा जी चलें जी फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।